साहेब। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो गाइस नहावा के एकदम कंप्लीट हो चुके हैं और बच्चे भी तैयार हो रहे हैं, नाश्ता वास्ता कर रहे हैं स्कूल जाने के लिए। एंड गाइस सुबह से ही मौसम ने करवट ले ली है और जैसे कि रोज़ की तरह धूप निकल रही थी, वैसे आज धूप नहीं निकल रही है, बिल्कुल बारिश जैसा मौसम है और हवाएं चल रही है बिल्कुल ठंडी ठंडी। आप देख सकते हो ये पन्नियाँ कैसे उड़ रही है हवा में और ऐसा लग रहा है कि जल्द ही बरसात होने वाली है। अभी सुबह सुबह से ही आपको थोड़ा सा व्यू यहाँ का दिखाता हूँ। ये देखो बिल्कुल तेज़ हवाएं चल रही है और मौसम भी आप देख सकते हो बिल्कुल बादल छाए हुए हैं। और ये गाइस मौसम जो है ना 3-4 दिनों बाद ऐसा हुआ है, वरना 3-4 दिनों से बरसात वगैरह नहीं हो रही थी, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि बरसात हो सकती है। थोड़ा सा आगे का व्यू दिखाता हूँ, बिल्कुल प्यारा सा। जानवर चल रहे हैं, भैंसी वगैरह। बस कैमरा क्वालिटी भी बिल्कुल कमज़ोर आती है ऐसे मौसम में, ऐसा लग रहा है जैसे अंधेरा होने वाला है। आपको लग रहा होगा कि अंधेरा होने वाला है, पर ऐसा नहीं है, सुबह के 8-8:30 बज रही है। तो गाइस बच्चे का एक स्कूल खेलते हैं, उसको रवाना करते हैं, उसके बाद भी दुकान पे। गाइस दुकान के लिए कमेंट बहुत सारे आते हैं कि दुकान पर ध्यान दीजिए, तो दुकान पर ध्यान देता हूँ मैं, डेली ध्यान देता हूँ, दुकान पर डेली जाता हूँ, दुकान ही मेरी रोजी रोटी है। यूट्यूब का कोई भरोसा नहीं, आप सभी को पता है, व्यू अचानक से डाउन हो जाते हैं, अब डाउन ही चल रहे हैं। दुकान पर ध्यान पूरा देता हूँ मैं, लेकिन दुकान क्या है कि 5:30 बंद कर देता हूँ, क्योंकि घर का भी काम रहता है, घर पर बहुत सारे काम रहते हैं और घर पर कोई ऐसा है नहीं बड़ा आदमी की जो घर पर काम करे, इसलिए मेरे को आना पड़ता है और घर के काम भी निपटाना पड़ते हैं। दोस्तों दुकान भी संभालना, घर भी संभालना, ब्लॉग भी बनाना, एडिटिंग भी करना, हर काम करना पड़ता है, तो बड़ी दिक्कत आ जाती है, बड़ी परेशानी आ जाती है, लेकिन अच्छे से कर रहे हैं। और दुकान पर भी रोजी रोटी, दुकान पर कभी थोड़ी मिल सकते हैं क्योंकि उसका कोई भरोसा नहीं। ठीक है दोस्तों, अभी निकलते हैं, बच्चे गए हैं कि नहीं स्कूल देखते हैं। तो दोस्तों साहिबा भी उठ गई है, साहिबा अभी नाश्ता कर रही है ना। और असद और सनाया तो कहाँ गए? आओ नानी के यहाँ। स्कूल गए ना? स्कूल गए। तो भाई बच्चे जा चुके हैं स्कूल और मैं भी जाता हूँ अभी दुकान के लिए, है ना। नहीं जाओ? नहीं बेटा, जाना पड़ता है ना दुकान पे, जाना पड़ता है। कौन से कॉलेज में जा रहा है? तो गाइस जैसा कि मैंने बोला था कि पानी आने वाला है, तो पानी की छींटे तो ऐसे आने लग गए ना। अरे वे गुड टुकड़ा आए लगी है, कार टुकड़िया वेको तो आई लगी है। क्या हाल है दादा? ये डालना है ये साइकिल में, ब्रेक पंजा बोलते हैं इसे, खींच के बताओ, खींच के बताओ, खींच दिए तो एक रफाड़ा दूंगा, तो दो दूंगा। अब ताकत खत्म हो गई दादा, बुढ़ापा आ गया रे। बुढ़ापा आ गया अभी, खत्म हो गई। चाय पिलाऊं? नहीं पिला तो अच्छा, नहीं पिलाया तो अच्छा, क्यों पिला तो भगवान भला करे, नहीं पिला तो भगवान भला करे। पिलाएंगे पिलाएंगे, चाय तो दादा को चाय। दोस्तों दादा पी रहे हैं चाय, साथ में मैं भी पी रहा हूँ। और इधर बस का हॉर्न बहुत ही तेजी से बज रहा है। क्या दादा अच्छी है नहीं चाय? दादा को क्या है कि गाइस चाय का बहुत शौक है और मुझे भी, इसलिए चाय तो पिलाना ही पड़ती दादा को, साथ में मैं भी पी लेता हूँ।
भाई साजिद आया है, साथ में असद भी आ चुका है। स्कूल की छुट्टी गाइस इसका दांत टूट गया है, तो दांत को क्या किया, गाड़ दिया गाइस। दांत को जो है ना गाड़ना पड़ता है, ऐसा बोलते हैं यहाँ के लोग, चूहे के तरफ डालना पड़ता है। ला मैं ठोक दूला। तो दोस्तों अभी मछली बिकने के लिए आई है, ये देखो लेते हैं आधा किलो, मन हो रहा है आज मछली खाने का है। और पब्लिक भी इकट्ठी हो चुकी है मछली लेने के लिए, देखो ले लो दो चार, सब मिलके बांट बांट के खाएंगे। बिल्कुल जिंदी ताजा मछली है, बिल्कुल ताजा। तो गाइस मछली ले चुका हूँ, अभी घर जाते हैं और मछली को बनवाते हैं। अब देखते हैं कि मछली टिक्का बनाते हैं वाइफ या फिर कुछ और बनाते हैं इसका, ये तो घर जाके ही पता चलेगा। तो गाइस घर साहब लो इसका बनाओ मछली टिक्का, आज मछली टिक्का बनाएंगी गाइस। वाइफ नाराज हो रहे हैं पीस तो करा लाते हैं, अरे यहीं पे कर ले मछली टिक्का बनाओ गाइस। ये बच्चों को है ना आज स्कूल से मिला है, इसको भरना है अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति फार्म है ना। हाँ, पहले ठीक का नाम, छात्र का नाम बेटा, तो पिता का नाम, माता का नाम, जन्म डेट, ये सब डालना है अपनों, है ना। कुछ सर को तुमने दे देना है ना। और साहिबा क्या कर रही है, मोबाइल चला रही है। अब देखो साहिबा से मोबाइल छीनते है ना, थोड़ी देर चला ले। फाइनली गाइस फिश टिक्के की तैयारी हो चुकी है, ये देखो मसाला तैयार हो चुका है, मसाले में जो फिश है ना उसको मिला दिया गया है। और गाइस खिचड़ी भी बन चुकी है, देखो ये है खिचड़ी, थोड़ी सी खिचड़ी भी बनी है। तो फटाफट इसको है ना तलवाते हैं और खाते हैं, बच्चों को काफी भूख लगी है ना। गाइस मुझे भी बहुत भूख लगी है। और गाइस ये जो मसाला है ना इसका पैकेट मिल जाता है मार्केट में, किराना दुकान पे, तो एक पैकेट लेके आया था हमें चिकन टिक्का बनाने के लिए। तो आज जो है मसाला बच गया था, तो मैंने सोचा कि फिश टिक्का बनवा लेते हैं। गाइस इसको है ना फिश को भी इसमें मिला के रखना पड़ा है, इसको एक घंटे के लिए ना, एक घंटे के लिए मिला के रखना पड़ा है, उसके बाद इसको तलना पड़ता है। सबसे ज्यादा मेरे को चिकन टिक्का अच्छा लगता है। सबसे ज्यादा मेरे को चिकन टिक्का, आज फिश टिक्का खाकर देख मजा आ जाएगा। एक बार फिश तले में खाया गाइस, हमारा फिश टिक्का हो चुका है तैयार। सबसे पहले कौन खाएगा, मैं। चलो सनाया खाएगी, चलो उठाओ छोटे सिस्टर, बड़ा चिकन लेग पीस। चिकन समझ रही है, कांदा। मजा आया, खा सब खा। तो गाइस मैं भी खा के देख लेता हूँ, और आपने फिश टिक्का खाया है कि नहीं कमेंट करके बताना। गाइस चिकन टिक्के से तो अच्छी मतलब कि फिश टिक्का लग रहा है गाइस, बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। खिचड़ी भी बनी है, देखो खिचड़ी भी एकदम मस्त लग रही है, खुशबू बहुत मस्त आ रही है। गाइस थोड़ा सा फिश टिक्का और थोड़ी थोड़ी खिचड़ी, मजा आ जाएगा खाने में। असद कैसा लग रहा है, एकदम मस्त। तो दोस्तों खाना हो चुका है हमारा, अभी साहिबा बन गई है दुल्हन, है ना। तो गाइस इस वीडियो को ज्यादा बड़ा ना करते हुए इस वीडियो का एंड कर देते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये फिश रेसिपी वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे आप अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं, साहिबा बोल, साहिबा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए।